वेलकम टू चॉक एंड स्लेट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉल्व किया था शेयर्स एंड डिविडेंड के 3B का क्वेश्चन नंबर 10 तक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3B शेयर्स एंड डिविडेंड का क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। इससे पहले मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ कि आप लोग प्लीज 3A को जाकर देखो, क्योंकि उसमें हमने शेयर एंड डिविडेंड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डील किया है। उसमें हमने ये भी देखा है कि असल में ये शेयर मार्केट क्या होता है, ये पूरा होल वर्क प्रोसेस कैसे चलता है, सब कुछ हमने जाना है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो सब कर दो एज यू नो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि लेडी होल्ड्स 1800, मतलब एक लेडी के पास टोटल 800 शेयर्स है। तो जैसा कि हमारा परंपरा रहा है, साइड में लिख दो नंबर ऑफ शेयर्स 1800। फिर बोल रहा है कि कौन सा शेयर है उसके पास, तो ₹100 शेयर ऑफ अ कंपनी है। ₹100 शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है उस लेडी का, ₹100। दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। और डिविडेंड का परसेंटेज क्या दे रहा है कंपनी, तो डिविडेंड दे रहा है कंपनी 15%। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ शी हैड बॉट दिस शेयर्स एट 40% प्रीमियम। बोल रहा है कि उसका एनुअल डिविडेंड निकालो अगर उसने इन शेयर्स को 40% प्रीमियम में खरीदा है, ठीक है। और पूछा है व्हाट इज द रिटर्न शी गेट्स एज परसेंटेज ऑन हर इन्वेस्टमेंट, गिव आंसर इन नियरेस्ट इंटीजर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एनुअल डिविडेंड निकालने बोला है, और डिविडेंड होता क्या है, जो हमें शेयर से मिलने वाला प्रॉफिट, डिविडेंड को हमेशा हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, तो वही यहाँ पे कर देते हैं। तो डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर कितना होगा, तो डिविडेंड का परसेंटेज 15 है, तो 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू दैट इज 100। और ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है, पर हमें पूछा टोटल डिविडेंड है, तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हो गया 15 × 18, तो ये हो गया 5, 44, 12, यहाँ 5, यहाँ पे 1, तो ये हो गया 270, तो यहाँ पे 27000, यानी 27,000 हो जाएगा उस लेडी का एनुअल डिविडेंड, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द रिटर्न शी गेट्स एज परसेंटेज ऑन हर इन्वेस्टमेंट। सीधा सीधी रिटर्न परसेंट पूछा है। रिटर्न परसेंट क्या होता है, रिटर्न परसेंट हम लोग निकालने के लिए या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम मतलब शेयर से आने वाला इनकम, यानी कि बोल सकते हैं टोटल डिविडेंड। और नीचे में इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने टोटल खर्चा किया शेयर्स को खरीदने के लिए, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर ही आपका टोटल डिविडेंड आता है, इंटू 100 कर देना। तो यानी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का जरूरत है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में यहाँ मेंशन कर दिया है कि शी हैड बॉट दिस शेयर्स एट 40% प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि उसने जो वैल्यू फिक्स है शेयर का उससे 40% ज्यादा दाम देकर खरीदा है। तो चलो निकाल देते हैं, उसने ₹100 तो दिया ही, प्लस 40% ऑफ ₹100 एक्स्ट्रा दिया, यानी कि उसने एक शेयर को 140 करके खरीदा। और उसने टोटल शेयर्स कितने खरीदे, तो हम लोग अब टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे 140 × 1800, ये हो गया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। हमें तो पूछा है रिटर्न परसेंट, इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही रख देते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो। अब रिटर्न परसेंट निकालने का फॉर्मूला बैठा देंगे, जो कि है इनकम फ्रॉम द शेयर, या फिर टोटल इनकम जो कि यहाँ पे निकला था 27,000, डिवाइडेड बाय उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि ये रहा, इंटू 100 कर दो। 00 यहाँ से 00 गया, आप चाहो तो इसे 9 से कट करो 2 बार में, यहाँ से 9 से कट करो 300 बार में, यहाँ पे 2 से कट करो आप, यहाँ पे जाएगा 2 से 150 बार में, और यहाँ पे जाएगा 75, यहाँ पे हो गया 7, तो इधर आया 75/7, 7 1 ज़ा यहाँ पे हो गया 10, डेसिमल देके 0.7, और फिर आप 1 ऐसे करके ये प्रोसीड होता रहेगा। तो यहाँ पे आया आपका 10.7% एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया 10.7%, बोला है गिव आंसर इन नियरेस्ट इंटीजर। हमारा आंसर आया था 10.7%, तो इसे राउंड ऑफ कर दे, तो इधर 1 चला जाएगा 11, और उधर 0 आ गया, यानी एक तरह से 11%। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बहुत सिंपल है। मैं इसे डिस्कस कर दूंगा, आप लोग इसे अपने घर पे करना होमवर्क के तौर पे। तो यहाँ बोला है कि मैन इन्वेस्ट ₹11,200, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट इस केस में दे दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 11,200, ठीक है।
और वो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसने उसे डिविडेंड दिया है 6%, यानी डिविडेंड का रेट है 6%। वेन इट्स ₹100 शेयर, ₹100 शेयर, कंपनी के शेयर का वैल्यू कितना है? ₹100, यानी कि नॉमिनल वैल्यू है ₹100। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू लिख दो ₹100, ठीक है। और उस शेयर को खरीदा जा रहा है ₹140 में, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर है ₹140। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा है एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर तो आप लोग निकाल लोगे 6/100 × 100 करके, पर नंबर ऑफ शेयर कहाँ से लाओगे? तो देखो, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए भी इन लोगों ने हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड किया है। वो क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर दे दिया और टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया। तो आप अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। जो भी नंबर ऑफ शेयर आएगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका टोटल डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज रिटर्न पूछा है या फिर रिटर्न परसेंट पूछा है, तो रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर। टोटल इनकम का मतलब टोटल डिविडेंड ही तो है, तो यहाँ से जो आपका डिविडेंड निकलेगा उसे यहाँ पे पुट कर देना, डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट तो दिया हुआ ही है, और इन 200। देखो ये बहुत ही सिंपल सा सम है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है और समझा है तो आप लोग इसे इजीली बना पाओगे। फिर भी किसी को कोई इशू है तो नीचे कमेंट सेक्शन खोला है, आप उसमें कमेंट करो या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे बड़े ध्यान से सुनना। देखो यहाँ बोला है मिस्टर शर्मा है 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100। मतलब मिस्टर शर्मा के पास टोटल कितने शेयर्स थे? टोटल शेयर्स थे उसके पास 60, और उन शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना था? ₹100। एंड सेल्स देम व्हेन दे आर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। और ये शेयर्स को जब उसे दाम बढ़ गया शेयर्स का, मतलब वो प्रीमियम पे बिकने लगा 60% के प्रीमियम पे, तो उसने इन शेयर्स को बेच दिया। मिस्टर शर्मा के पास कौन सा शेयर है? तो जिसका नॉमिनल वैल्यू ₹100 है। मिस्टर शर्मा ने खुद इन शेयर्स को कितने दाम पे खरीदा वो हमें मेंशन नहीं किया है, तो हमें उससे कोई काम भी नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन का शुरुआत ऐसे हुआ है कि जैसे ही शेयर्स का दाम बढ़ गया अपने नॉमिनल वैल्यू से 60% अबव में बिकने लगा, तब मिस्टर शर्मा ने शेयर्स को बेच दिया, ठीक है। He invests the proceeds in shares of nominal value of ₹50। अब आगे समझो, मिस्टर शर्मा ने ₹100 नॉमिनल वैल्यू वाला शेयर खरीदा था, ठीक है। उसने खुद उन शेयर को क्या मार्केट वैल्यू देके खरीदा था वो मेंशन नहीं किया, तो उससे कोई काम भी नहीं है। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि जो ₹100 नॉमिनल वैल्यू वाला शेयर मिस्टर शर्मा ने खरीदा था, जब उन शेयर्स का वैल्यू 60% बढ़ गया तब मिस्टर शर्मा ने उन शेयर्स को बेच दिया। अब उन शेयर्स को जब मिस्टर शर्मा ने बेच दिया, यानी कि ये जो बोल रहा है कि ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹50, इस लाइन का मतलब ये है कि जब उसने अपने ₹100 नॉमिनल वाली वैल्यू वाले शेयर को बेच दिया, तो उसे जो पैसा मिला उस पैसा को उसने दूसरे टाइप ऑफ शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। पहले वाले शेयर्स को बेच के जो पैसे आए उससे दूसरा टाइप ऑफ शेयर खरीद लिया, और सेकेंड टाइप ऑफ जो शेयर उसने खरीदा उसका नॉमिनल वैल्यू 50 था, और वो सेकेंड टाइप ऑफ शेयर जो उसने खरीदा उसका नॉमिनल वैल्यू तो 50 था, पर वो उसे 50 पे नहीं मिला, 50 से कम में मिल गया, 4% डिस्काउंट में मिल गया, और जो दूसरा वाला शेयर था वो उसे 80% डिविडेंड दे रहा था। तो सबसे पहले पूछा है सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स का मतलब होता है जब आप किसी टाइप के गुड्स हो, एसेट्स हो, या किसी भी चीज को बेचते हो, तो जो पैसे मिलते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में वो सेल प्रोसीड्स है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं, इतना समझो सेल प्रोसीड्स का मतलब है जो पिछले टाइप ऑफ शेयर्स को उसने बेचा तो बेच के उसे कितने पैसे मिले, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है सेल प्रोसीड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट काइंड शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना था? नॉमिनल वैल्यू था ₹100। फिर वैल्यू इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? वैल्यू इंक्रीज बाय 60%, और इट वाज सोल्ड एट 60% प्रीमियम। तो अब उसका वैल्यू हो गया 100 प्लस 60% ऑफ 100, यानी इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ₹160। तो अब उसका वैल्यू हो गया ₹160। तो 100 नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर का दाम जब 160 हो गया तो मिस्टर शर्मा ने उन शेयर्स को बेच दिया, ठीक है। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, और उसके पास कितने सारे शेयर्स थे? 60 नंबर ऑफ शेयर्स थे। देखो टोटल शेयर मिस्टर शर्मा के पास 60 थे, तो मिस्टर शर्मा का अर्निंग कितना हुआ? अगर वो एक शेयर को बेचता तो 160 होता, पर उसने 60 शेयर्स को बेचा, तो उसका अर्निंग हुआ 160 × 60।
यानी कि 9600, यही है सेल प्रोसीड्स, मतलब मिस्टर शर्मा को शेयर बेचने के बाद इतना रुपया मिला। कितना रुपया मिला? तो उसका अर्निंग हुआ ₹9600। तो ये वाला पार्ट को मैं अब इरेज कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर ही बायज। अब फिर से कैसे पूछ लिया नंबर ऑफ शेयर ही बायज? उसने तो 60 शेयर खरीदे थे, पर ध्यान दो ये जो 60 शेयर्स का क्वेश्चन में ऊपर में बात किया गया है, ये 60 पुराने वाले शेयर्स है जो कि नॉमिनल वैल्यू ₹100 वाले थे, जिसका वैल्यू बढ़कर जब 160 हो गया तो मिस्टर शर्मा ने सारे के सारे शेयर बेच दिए, और सारे के सारे शेयर बेच के उसने 9600 रुपीस कमाए। अब इन 9600 रुपीस को उसने री इन्वेस्ट कर दिया, और री इन्वेस्ट करके उस शेयर को खरीदा जिसका नॉमिनल वैल्यू 50 था और उसे वो 4% डिस्काउंट में मिल रहा था। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे कि सेकेंड टाइप शेयर का नॉमिनल वैल्यू है ₹50 और मार्केट वैल्यू कितना है 4% डिस्काउंट पे मिला, तो 50 माइनस 4% ऑफ 50, तो यानी उसे मिल गया शेयर ₹48 में। मिस्टर शर्मा को सेकेंड टाइप शेयर के पर शेयर का वैल्यू पड़ा ₹48, और मिस्टर शर्मा ने टोटल कितने रुपए का शेयर खरीदा? जितना उसने पिछले वाले को बेच के कमाया था, यानी 9600 का शेयर खरीदा। तो नंबर ऑफ शेयर मिस्टर शर्मा बॉट, या फिर नंबर ऑफ शेयर ऑफ सेकेंड काइंड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसे थोड़ा इलेबोरेट करके लिख देना, 9600 by 48, तो 48 2s यानी 200। तो दूसरे टाइप ऑफ शेयर मिस्टर शर्मा ने कितने खरीदे? तो दूसरे टाइप ऑफ शेयर मिस्टर शर्मा ने 200 खरीदे। ठीक है, अब आया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि एनुअल डिविडेंड, मतलब मिस्टर शर्मा ने कितना कमाया, यानी दूसरे वाले शेयर से मिस्टर शर्मा ने कितना कमाया। पहले वाले शेयर्स को तो उसने बेच ही दिया, तो बेच के कुछ पैसे आए थे, पर वो पैसे को तो उसने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया ना, तो री इन्वेस्ट करके जो सेकेंड टाइप ऑफ शेयर को खरीदा, अब सेकेंड टाइप ऑफ शेयर से मिलने वाला प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड टाइप ऑफ वाले शेयर से ही मिला हुआ डिविडेंड उसका एनुअल डिविडेंड होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला शेयर तो उसने ऑलरेडी बेच दिया है, तो 18% उसे डिविडेंड मिला। तो 18% डिविडेंड किस पे मिलेगा? डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, तो सेकेंड टाइप ऑफ शेयर का नॉमिनल वैल्यू 50 था, तो इंटू 50 कर दो, ये तो डिविडेंड ऑन वन शेयर हुआ, और हमने अभी निकाला था कि उसने 200 शेयर्स खरीदे हैं, तो उसने डिविडेंड अर्न किया ₹1800। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बोला जाता है कि उसके पास पहले कोई शेयर था जिसका नॉमिनल वैल्यू दे देगा, और फिर बोलेगा कि उसके पास इतने पीस शेयर थे, उसने इन सारे शेयर्स को इतने परसेंट दाम बढ़ा के या घटा कर बेच दिया, और जब उसने बेचा तो उससे आने वाले पैसे से नए टाइप ऑफ शेयर को खरीदा। अब नए टाइप ऑफ शेयर का नंबर निकालो, उसका डिविडेंड निकालो, दिस एंड दैट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100। तो कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कितने हैं? तो 10,000 है, और उसने कितने का डिविडेंड डिक्लेयर किया है? तो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 8% का। ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स को तो पहले पूछा है कितना डिविडेंड कंपनी पे करेगा, तो कंपनी का टोटल शेयर्स अगर 10,000 है और वो पर शेयर पे 8% का डिविडेंड देता है, तो 8/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? नॉमिनल वैल्यू 100 ही है, तो बस 100 है, तो कट कर दो, यानी कि यहाँ पे 80,000 का डिविडेंड देगा कंपनी। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, इससे पहले हम लोग इससे टफ टफ करके आए हुए। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, रमेश हैज बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ₹150 पर शेयर। तो रमेश ने कितने शेयर खरीदे? 90 शेयर खरीदे, और पर शेयर का दाम है 150। तो पहले तो पूछा है कि रमेश को कितना डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड मिलता किस पे? नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, तो 8% ऑफ 100 कर दो, और रमेश ने कितना शेयर्स खरीदा है? 90 शेयर्स खरीदा है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रमेश को डिविडेंड मिला 720। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स एंड परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड तो मिल गया, परसेंटेज रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है? डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट। तो रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? रमेश ने 150 करके पर शेयर को खरीदा, टोटल 90 शेयर को खरीदा, तो यही तो है रमेश का इन्वेस्टमेंट। तो इसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देते ताकि कैलकुलेशन आसान हो, इधर इंटू 100 कर देते, 91 जा 1980 जा,
एट्स है, सॉरी। अब यहाँ पे कट करो, ये हो जाएगा आपका 25 से 6 बार में, 25 से 4 बार में, यहाँ से 2 बार में, सॉरी 2 से 3 बार में, यहाँ पे 4 बार में, तो 16/3 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3/5, 1/3%, तो इतना होगा उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट परसेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट 16% ₹100 शेयर एट 80। इसका मतलब क्या हुआ? पहला तो दो दो तरह का इन्वेस्टमेंट दिया, पूछा है कौन सा बेटर है। तो पहले इन्वेस्टमेंट क्या दिया है उसे समझते हैं। बोलता है 16% ₹100 शेयर एट 80। इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 100 है, ₹100 शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ₹100 है। 16% ₹100 शेयर का मतलब होता है कि ऐसा शेयर जिसका नॉमिनल वैल्यू ₹100 है और रेट ऑफ डिविडेंड जो रिटर्न आ रहा है वो 16% है, यानी पर शेयर पे ₹16 वापस मिल रहा है, और वो शेयर को हम लोग खरीद रहे हैं एट 80, यानी उसका मार्केट वैल्यू है 80। तो पहला वाला टाइप का शेयर का नॉमिनल वैल्यू है 100, उससे आने वाला रिटर्न परसेंट है 16% और उसका मार्केट वैल्यू है 80। उसी तरह से सेकेंड वाला शेयर का नॉमिनल वैल्यू है ₹100, उससे आने वाला डिविडेंड परसेंटेज है 20% और उसका मार्केट वैल्यू है 120। तो अब कुछ लोग सोचेंगे इसको एकदम सिंपली कर देते हैं कि ये ₹100 का शेयर था, ये भी तो ₹100 का शेयर था, पर इससे मिल जा रहा है डिविडेंड 20% यानी ₹20, और पहले वाले से मिल रहा है डिविडेंड 16% यानी कि ₹16। तो ज्यादा फायदा तो ₹20 वाले में हुआ, तो ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट ये है। पर वैसे नहीं चेक करते, बेटर इन्वेस्टमेंट कब मानेंगे? बेटर इन्वेस्टमेंट को हमेशा खोजना आप लोग रिटर्न परसेंटेज पे, जिस भी शेयर से रिटर्न परसेंट ज्यादा मिल रहा हो वही शेयर बेटर है। अब मैंने रिटर्न परसेंट क्यों बोला, क्योंकि शेयर से आपको ज्यादा फायदा हुआ कि नहीं इस चीज को आप कैसे समझोगे? तो आप लोग इस बात को भी कंसीडर करोगे कि शेयर को खरीदने में कितना खर्चा पड़ा। यहाँ पे देखो ये शेयर 80 पे ही मिल जा रहा है और ये वाला शेयर 120 पे मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी शेयर से डिविडेंड ज्यादा मिल रहा हो, पर ये भी तो हो सकता है कि जिस शेयर से डिविडेंड ज्यादा मिल रहा हो उस शेयर को खरीदने में भी ज्यादा कॉस्ट लगा, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी शेयर से डिविडेंड उतना ज्यादा ना मिल रहा हो या फर्स्ट शेयर के कंपैरिजन में कम मिल रहा हो, पर उसे खरीदने में भी उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ा। तो बेटर इन्वेस्टमेंट में हम लोग सिर्फ डिविडेंड को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि मार्केट वैल्यू का भी रोल आता है कि आपने शेयर को ज्यादा दाम दे के खरीदा कि कम दाम दे के खरीदा। हो सकता है कि दोनों शेयर के डिविडेंड में ज्यादा अंतर ना हो, थोड़े रुपए का ही अंतर हो, पर मार्केट वैल्यू में ज्यादा का अंतर हो। तो इसीलिए इतने सारे कंफ्यूजन को हटा के इतना समझ लो कि शेयर का, दोनों ही शेयर का अलग अलग रिटर्न परसेंट निकाल दो। रिटर्न परसेंट अगर निकल जाएगा तो जो शेयर ज्यादा रिटर्न देता है वही बेटर इन्वेस्टमेंट है, सिंपल सा बात। तो चलो अब इसको करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट शेयर का रिटर्न निकालते हैं। तो फर्स्ट शेयर का रिटर्न परसेंट निकालो। रिटर्न परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। और अगर चाहे तो हम लोग रिटर्न परसेंट को टोटल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 निकाल दो, या फिर आप लोग चाहे तो इनकम फ्रॉम वन शेयर डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ वन शेयर इनटू 100 कर दो, तो भी सेम ही आपका रिटर्न परसेंट आएगा। जब आप टोटल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करते हैं उस समय जो रिटर्न परसेंट आता है, अगर आप पर शेयर का इनकम बाय पर शेयर का इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करो तब भी सेम ही रिटर्न परसेंट आएगा, ठीक है? पर पे जो परसेंटेज होता है और ज्यादा वैल्यूज पे जो परसेंटेज होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि हमने ये ऐसे भी प्रॉफिट लॉस चैप्टर्स में पहले पढ़ रखा है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही शेयर का नॉमिनल वैल्यू दिया है, तो आप एक ही शेयर का डिविडेंड निकालो। तो एक शेयर का डिविडेंड कितना हुआ आपका? 16% ऑफ ₹100, यानी डिविडेंड, या फिर बोल सकते हैं इनकम फ्रॉम द शेयर है ₹16, और मार्केट वैल्यू बोल दिया है ₹80। तो बस इसका रिटर्न परसेंट क्या होगा? रिटर्न परसेंट होता है इनकम, जो कि फिलहाल एक शेयर का है 16, नीचे में बैठता है टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि फिलहाल एक शेयर का है यानी मार्केट वैल्यू इंटू 100 कर दो। तो ये 16 से 1 बार में गया, ये 16 से 5 बार में गया, 5 से इधर 20 हो गया, तो पहले शेयर में मिला 20%। नेक्स्ट हम देखेंगे अब 20% ₹100 शेयर पे। तो अगर हम लोग 20% ₹100 शेयर पे देखते हैं, तो सेकंड केस के शेयर का आपका डिविडेंड निकलेगा 20% ऑफ 100
यानी कि 20 रुपीज़। तो एक शेयर से आने वाला डिविडेंड या फिर इनकम है 20 और एक शेयर पे होने वाला इन्वेस्टमेंट है 120। इंटू 100 कर दो तो आपका ये 1 बार में इधर से गया आपका 6 बार में, यहाँ पे हो गया 50, यहाँ पे हो गया 3। तो 50/3 को अगर आप लिखो तो आप लिख सकते हो 18 2/3%। तो ये हो गया 18 2/3%। तो बेटर रिटर्न किससे मिला? ये सेकेंड वाले शेयर पे रिटर्न परसेंट है 18 2/3, फर्स्ट वाले शेयर पे रिटर्न परसेंट है 20%। तो बेटर इन्वेस्टमेंट हम लोग मानेंगे फर्स्ट वाले को। अच्छा, किसी को हल्का सा भी अगर कंफ्यूजन रह गया है कि अभी तक तो हम लोग रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला देख रहे थे टोटल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और अब हम लोगों ने रिटर्न परसेंट में फॉर्मूला बैठा दिया इनकम फ्रॉम 1 शेयर बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 शेयर इनटू 100, तो ये बात हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आपका एक शेयर पे जो इनकम, एक शेयर पे जो इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करके जो रिटर्न परसेंट निकल रहा है वही रिटर्न परसेंट ही ज्यादा शेयर पे भी निकलेगा। वो कैसे? क्योंकि आप देखो, आपने यहाँ पे इनकम फ्रॉम 1 शेयर बैठा दिया, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 शेयर बैठा दिया और इनटू 100 कर दिया, ठीक है। अगर मान लो ज्यादा शेयर थे 10 शेयर से, तो ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनकम फ्रॉम 10 शेयर आ जाएगा, और नीचे में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 10 शेयर आ जाएगा। पर ये 10 10 तो ऐसे भी कट ही जाना है ना, तो ऐसे भी अगर आप 1 शेयर पे इनकम 1 शेयर पे इन्वेस्टमेंट करके फॉर्मूला से रिटर्न परसेंट निकालो, या एन नंबर ऑफ शेयर पे आप इनकम और एन नंबर ऑफ शेयर पे इन्वेस्टमेंट वाला बैठा के रिटर्न परसेंट निकालो, दोनों केसेस में रिटर्न परसेंट सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बना के बहुत मजा आएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं कि अ मैन हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन ₹100 शेयर ऑफ टू फर्म्स। तो आपका दो फर्म्स है और दोनों का ही ₹100 वाला नॉमिनल वैल्यू का शेयर है, और मैन के पास चॉइस है कि दोनों में से किसी एक फर्म में इन्वेस्ट करो। तो और एक शेयर अपने 100 वाले शेयर को 120 में बेचता है, एक फर्म अपने ₹100 वाले शेयर को 120 में बेचता है और दूसरा फर्म अपने ₹100 वाले शेयर को 132 में बेचता है। और जो पहला वाला फर्म है जो 120 में अपने 100 वाले शेयर को बेच रहा था वो रिटर्न परसेंट 5% देता है, और दूसरा वाला फर्म जो 132 में शेयर को बेच रहा था वो 6% डिविडेंड देता है। तो पूछा है कि विच कंपनी इज गिविंग बेटर रिटर्न, तो कौन सी कंपनी बेटर रिटर्न दे रही है। तो रिटर्न निकालने के लिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी एक तरह से कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है और आपका डिविडेंड भी प्ले करता है, तो आप सबसे अच्छा रिटर्न परसेंटेज निकाल दो, ठीक है, जो कि होता है इनकम यानी कि डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे पर शेयर का रिटर्न परसेंट निकाल देंगे, क्योंकि रिटर्न परसेंट तो सेम ही रहता है, आप पर शेयर पे निकालो या टोटल नंबर ऑफ शेयर पे निकालो। और ऐसे भी यहाँ हमें नंबर ऑफ शेयर्स का कुछ दिया ही नहीं है, तो रिटर्न परसेंट ऑफ फर्स्ट फर्म का रिटर्न परसेंट निकालते हैं। तो फर्स्ट फर्म का रिटर्न परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिविडेंड निकालना होगा। डिविडेंड बोल दो, इनकम फ्रॉम द शेयर बोल दो, या रिटर्न फ्रॉम द शेयर बोल दो। तो डिविडेंड कितना है आपका? डिविडेंड है 5%। वो कितने रुपए पे डिविडेंड मिलता है? हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, तो वो हो जाएगा 5 रुपए। और आपका इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर जो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर यहाँ पे है वो कितना है? ₹120। तो आपका रिटर्न परसेंट कितना हो गया? इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो ये गया 0 0। टू से कट कर दो 6 बार में, टू से कट कर दो 5 बार में, तो 25/6 आप 41/6%, ये हो गया आपका रिटर्न परसेंट फॉर द फर्स्ट फर्म। तो फर्स्ट फर्म से कितना रिटर्न मिल रहा है? 41/6%, ठीक है, लिख देता हूँ फर्स्ट करके। अब इसे इरेज करते हैं और हम लोग निकालेंगे रिटर्न फ्रॉम द सेकेंड फर्म। तो सेकेंड फर्म का भी नॉमिनल वैल्यू तो आपका 100 ही है, तो डिविडेंड कितना निकलेगा? ये फर्म 6% रेट पे डिविडेंड दे रहा है, तो 6/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू यानी 6 रुपीज। अब हमें निकालना है रिटर्न परसेंट। तो रिटर्न परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनकम फ्रॉम द शेयर या फिर डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट, जो कि इस केस में 132 है, इंटू 100। 6 वन जा 6 टू जा 6 टू जा, यहाँ 22 हो गया, यहाँ 50 हो गया,
या 11 हो गया, यानी 50/11%। अगर इसको मिक्स्ड में लिखते तो 46/11%। तो कंपनी से आने वाला रिटर्न था पहले वाले से आ रहा था 41/6, यानी कि 25/6%, और सेकंड कंपनी से आ रहा है 50/6%। अब दोनों में कौन सी 50/11% सॉरी, कौन सा कंपनी का बेटर रिटर्न है ये कैसे निकालेंगे? तो फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा होता है, याद है हमने बचपन में किया था, डेनोमिनेटर को सेम बना लो। डेनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 25 × 11/6 × 11 कर दो, तो इधर हो जाएगा आपका 275/66%, और ये सेकेंड वाला आपका बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो 50 × 6 कितना हो गया, 300/66%। तो ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा, यानी 300/66% बेटर ऑप्शन है, यानी कि सेकेंड कंपनी आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न दे रही है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड कंपनी का रिटर्न परसेंट ज़्यादा है। तो यानी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा, तो सेकेंड कंपनी में, विच कंपनी इज गिविंग बेटर रिटर्न, तो सेकेंड कंपनी इज गिविंग बेटर रिटर्न। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ, और यहाँ पे ये चीज साइड में लिखे रहो कि पहली कंपनी ने दिया 41/6 और सेकेंड कंपनी ने दिया 50/11%। ये सब थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ अ मैन इन्वेस्ट 26,400, तो मैन ने कितना इन्वेस्ट किया, 26,400 किया किसी फर्म में, तो दोनों के रिटर्न के बीच का अंतर कितना है? तो फर्स्ट फर्म में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 26,400, और क्योंकि रिटर्न परसेंट दिया हुआ है फर्स्ट फर्म के लिए 24, यानी 25/6%, तो 25/6% ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल दो। फर्स्ट फर्म कितना रिटर्न दे रही है, मतलब रिटर्न परसेंट तो हमें पता था, अब रिटर्न का वैल्यू निकाल रहे इन मनी, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, रिटर्न परसेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, है ना। रिटर्न मिलता किस पे है, रिटर्न मिलता तो इन्वेस्टमेंट पे ही है ना, जो हमने इन्वेस्ट किया उसी पे रिटर्न मिलता है। रिटर्न परसेंट का मतलब है कि आपका पर शेयर पे आपने जितना खर्चा किया है उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वही तो है रिटर्न परसेंट। तो यहाँ पे आपने टोटल खर्चा किया है 26,400 और आपका रिटर्न परसेंट है फर्स्ट शेयर के लिए, आई मीन फर्स्ट कंपनी के लिए 25/6%, तो फर्स्ट कंपनी से मिलने वाला रिटर्न क्या होगा, 25/6% ऑफ 26,400, 25/6% ऑफ 26,400 निकाल दो, तो 25/6 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 26,400, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/6 इनटू 1/100 इनटू 26,400, तो ये 0000 कट गया, ये 6 से कटा 44 बार में, तो ये हो गया 25 × 44 रुपीज। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो फर्स्ट फर्म से कितना रिटर्न मिला, 25 × 44, तो फर्स्ट फर्म से आपको रिटर्न मिला कितना रुपीज, 25 × 44। अब निकालते हैं सेकेंड फर्म वाला रिटर्न, तो सेकेंड फर्म से आपको कितना रिटर्न मिला, तो सेकेंड फर्म का रिटर्न परसेंट था 50/11%, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 50/11% रिटर्न मिल गया। तो इन्वेस्टमेंट किया 26,400, तो 50/11% ऑफ 26,400, तो 50/11 डिवाइडेड बाय 100 यानी इनटू 1/100, और ये इतना सिंपल सा कैलकुलेशन आई थिंक आप लोग सब समझ गए होंगे। तो ये 20, फिर भी किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हो जाएगा 24, तो ये हो गया 50 × 24, और इसको 25 के टर्म्स में लिख लूँ तो 25 × 48 भी बोल सकता हूँ। समझे मैंने क्या किया, ये 50 को 25 × 2 में तोड़ दिया। ऐसा मैं जानबूझ करके कर रहा हूँ ताकि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, और कुछ नहीं। तो 25 × 48, तो सेकेंड फॉर्म से कितना रिटर्न मिला, 25 × 48, तो जल्दी से लिख लो सेकेंड फॉर्म का आपका रिटर्न है 25 × 48। तो फर्स्ट फर्म का था 25 × 44, सेकेंड फर्म का है 25 × 48, क्योंकि सेकेंड फर्म बेटर रिटर्न दे रहा था, इसलिए देखो इसका रिटर्न ज़्यादा है, 25 × 48 इज बिगर देन 25 × 44। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है,
तो डिफरेंस निकाल दिया 25 इंटू 48 माइनस 25 इंटू 44, 25 कॉमन ले लो तो 48 माइनस 44 यानी कि हो जाएगा 25 इंटू 4 जो होता है ₹100। देखो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली हो गया, अगर कुछ बच्चे होते तो 25 इंटू 44 अलग करते, फिर 25 इंटू 48 अलग करते, फिर दोनों को माइनस करते, वो टाइम वेस्ट है। जबकि हम लोग सिंपली इस तरह से थोड़े बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी इजिली कर सकते हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि अ मैन बॉट 360 rupees 10 shares of a company paying 12% dividend। तो एक इंसान ने टोटल 360 shares खरीदा किसी कंपनी का, उस shares को खरीदा जिस shares का nominal value था ₹10 और वो कंपनी उसे 12% का रिटर्न दे रही थी या फिर 12% का डिविडेंड दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ shares लिख दो 360 और आपका डिविडेंड का परसेंटेज लिख दो 12% और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर लिख दो ₹10। अच्छा, उस इंसान ने इस ₹10 वाले शेयर्स को खुद कितने पे खरीदा वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और उसका हमें कोई काम भी नहीं है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट, जब उसने जो समझ लो अब उसके पास 360 शेयर्स थे और कौन से वाले शेयर्स थे जिसका नॉमिनल वैल्यू है ₹10। ठीक है, अब इस शेयर्स का ही जब वैल्यू बढ़ के ₹21 हो गया, जब इस शेयर का दाम टाइम टू टाइम बढ़ता है जैसे ही कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, तो जब इस शेयर का दाम बढ़ के ₹21 हो गया तो उसने सारे के सारे शेयर को बेच दिया। और जब उसने 360 पीस शेयर को बेचा ₹21 करके, तो उसके पास कुछ पैसे आए होंगे, तो उसके पास जो पैसे आए यानी उसके पास जो सेल प्रोसीड्स आया उससे उसने एक नए टाइप ऑफ शेयर को खरीदा, उसने एक सेकेंड टाइप ऑफ शेयर को खरीदा। और ये सेकेंड टाइप ऑफ शेयर को जो उसने खरीदा उस सेकेंड टाइप ऑफ शेयर का नॉमिनल वैल्यू था ₹5। वो सेकेंड टाइप ऑफ शेयर पे उसे डिविडेंड मिल रहा था 4.5%, और साथ ही साथ उस सेकेंड टाइप ऑफ शेयर का नॉमिनल वैल्यू ₹5 था, पर वो शेयर उसे एक्चुअली किस दाम पे मिला तो ₹3.50 पे ही मिल गया। तो सेकेंड शेयर का मार्केट वैल्यू है ₹3.50। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे आगे। बोल रहा है फाइंड द एनुअल चेंज इन हिज इनकम। तो पहला बात तो इनकम होता क्या है, तो शेयर से होने वाला इनकम यानी कि शेयर से मिलने वाला डिविडेंड। तो फर्स्ट काइंड ऑफ शेयर जब उसके पास होगा तो उससे भी उसे कुछ डिविडेंड मिला होगा, वो वाला जो डिविडेंड है। और जो जब उसने वो शेयर्स को बेच दिया, फर्स्ट काइंड ऑफ ₹10 नॉमिनल वाली वैल्यू वाले शेयर को जब उसने बेच दिया, तो जो पैसे आए उससे जो सेकेंड टाइप ऑफ शेयर खरीद लिया उस सेकेंड टाइप ऑफ शेयर से भी उसे डिविडेंड मिलता होगा। तो फर्स्ट केस में कितना डिविडेंड मिलता था और सेकेंड केस में कितना डिविडेंड मिलता है, उन दोनों का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, वही है उसके चेंज इन इनकम। क्योंकि उसके पास अगर फर्स्ट काइंड ऑफ शेयर रहता यानी कि जो पहले था उससे कुछ इनकम आता होगा डिविडेंड के तौर पे, और सेकेंड टाइप ऑफ शेयर जो उसने खरीदा उससे भी डिविडेंड आता है, तो वही दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखो, तो सबसे पहले निकालो इनकम फ्रॉम फर्स्ट शेयर। तो फर्स्ट शेयर उसके पास 360 थे और वो फर्स्ट शेयर उसको 12% डिविडेंड देता था और डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यानी 36 into 12, तो आपका हो गया 36 into 12, कर दो यहाँ पे जल्दी से, तो 7 12 7, इधर हो गया आपका 6, इधर हो गया आपका 3, तो 2 यहाँ 13 432 rupees। तो उसके पास कितने रुपीस थे, 432 rupees। फर्स्ट काइंड ऑफ शेयर से उसे मिलने वाला इनकम है या होता ₹432। तो यहीं पे लिख देता हूँ डिविडेंड जो फर्स्ट शेयर से मिला वो था ₹432। ठीक है, इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखो जैसे इस फर्स्ट काइंड ऑफ शेयर का वर्थ बढ़ गया तो उसने सारे शेयर्स को बेच दिया, तो शेयर को बेचने के बाद जो पैसे आए होंगे पहले वो निकालते हैं। तो मनी आफ्टर सेलिंग कितना हो गया उसके पास, तो उससे 21 शेयर्स बेचे, सॉरी 21 रुपीस करके शेयर बेचे और टोटल कितने शेयर बेचे 360। तो कर दो 36 into 21 6, इधर 3, इधर 12, इधर 7, तो 6 9 7।
7 5 6, तो इधर आ गया 7560। इतना रुपया उसे मिला सारे शेयर्स को बेच के ऑफ फर्स्ट काइंड। अब इतना रुपया उसे मिला और पर शेयर को उसने 3.50 में खरीदा था, तो उसने नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा? एक्चुअली में फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर्स को बेचने के बाद जो पैसा आया वो सारा पैसा ही तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, तब तो सेकंड टाइप ऑफ शेयर खरीदा। तो यानी सेकंड टाइप ऑफ शेयर को खरीदने के लिए उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 7560 और पर शेयर पे उसका खर्चा है 3.50। तो यार डेसिमल हटा के 100 ले आओ, 5 से कटा 7 बार में, 5 से 20 बार में, 7 से यहाँ 108 बार में, और 108 इंटू 20 हो गया आपका 16 2160। यानी उसने कितने शेयर्स कर दे, तो 2160 शेयर कर दे। तो सेकंड काइंड ऑफ शेयर उसने कितने कर दे, तो सेकंड काइंड ऑफ शेयर के नीचे ही मैं नंबर ऑफ शेयर लिख देता हूँ, वो था 2160। सेकंड काइंड ऑफ शेयर उसने खरीदे 2160। तो अब जल्दी से सेकंड काइंड ऑफ शेयर पे मिलने वाला इनकम निकाल दो। तो सेकंड काइंड ऑफ शेयर से मिलने वाला इनकम यानी कि डिविडेंड है कितना, तो करो 4.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू दैट इज 5 और नंबर ऑफ शेयर है 2160। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो ये होगा 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 9 बार में, 5 से 4 बार में, और 4 से 5 और 54, तो 54 इंटू 9, 9 4 जा 36, कैरी 3, 45, 486। तो पिछले केस में इनकम था 432, इस केस में इनकम 486, तो 486 माइनस 432, तो चेंज इन इज इनकम आया 54 रुपीज। ये था ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऐसे सम्स को पहले किया है, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, अ मैन सोल्ड 400 रुपीज 20 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 5% एट ₹80। ठीक है, तो पहले इतना दूर समझते हैं कि एक इंसान ने टोटल 400 शेयर्स बेचे किसी कंपनी के, और कितने वाले शेयर बेचे, तो ₹20 वाले शेयर्स बेचे, और वो जो कंपनी थी पहली कंपनी उसे कितना डिविडेंड दे रही थी, तो 5% डिविडेंड दे रही थी, और उसने ये ₹20 वाले शेयर्स को कितने पे बेचा, तो ₹18 में बेचा, ठीक है। और अब जब उसने फर्स्ट काइंड ऑफ शेयर को बेच दिया, तो उसका जो टोटल अर्निंग सेल प्रोसीड्स आया बाय सेलिंग द शेयर्स, उसने वो सारे को किसी दूसरे काइंड ऑफ शेयर पे लगा दिया, और उसने जो दूसरे काइंड ऑफ शेयर पे लगाया वो दूसरे काइंड ऑफ शेयर को उसने किसी सेकेंड कंपनी से खरीदा था जो कि उसे 7% का रिटर्न दे रही थी, और मतलब कि 7% का डिविडेंड दे रही थी, और उसने जो शेयर खरीदा वो ₹10 का था, पर वो शेयर उसे 10 पर ना मिलके ₹12 पे मिला, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि बताओ उसने ₹10 वाले यानी सेकंड काइंड ऑफ शेयर को कितना खरीदा, यानी हाउ मेनी शेयर्स ऑफ सेकंड टाइप ही हैज बॉट, एंड सेकंड पूछा है चेंज इन हिज इनकम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ ऊपर में लिख लेते हैं फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट काइंड के उसने 400 खरीदे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है ₹20, डिविडेंड मिल रहा है 5%, और उसने सारे शेयर को सोल्ड कर दिया एट ₹18, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट काइंड ऑफ शेयर से आने वाला उसका इनकम को निकालते हैं। इनकम फ्रॉम द शेयर तो टोटल डिविडेंड ही होता है, शेयर से हमारा क्या कमाई होता है, शेयर से होने वाला कमाई डिविडेंड ही है। तो उसने 5% का डिविडेंड अर्न किया ₹20 से, और ये तो एक शेयर का था, तो इंटू 400 कर दो, तो उसने कमाया यहाँ पे, इधर आ गया आपका 400 रुपीज। तो उसका डिविडेंड हो गया फर्स्ट शेयर से ₹400, ठीक है। अच्छा, तो उसने फर्स्ट काइंड ऑफ शेयर से 400 रुपीज का डिविडेंड कमा लिया, उसके बाद सारे शेयर्स को बेच दिया, और उसने शेयर्स को कैसे करके बेचा, तो ₹18 करके बेचा, और जब उसने सारे शेयर्स को बेचा तो जो पैसे आए उससे सेकेंड काइंड ऑफ शेयर खरीदा। तो पहले देखो उसका अर्निंग, उसका अर्निंग कितना हुआ बाय सेलिंग, तो उसने कितने करके बेचा, 18 रुपीज करके 400 शेयर को बेचा, यानी 7200 टोटल रुपया कमाया, ठीक है। ये डिविडेंड अपना अलग है, उसने डिविडेंड अलग कमाया, उसने 7200 तो शेयर को बेच के कमा लिया, और सिर्फ ये बेचे हुए पैसे से
जो उसने बेच के कमाए 7200, इसको उसने इन्वेस्ट किया सेकेंड काइंड ऑफ शेयर में। तो अब निकालते हैं सेकेंड काइंड ऑफ शेयर। तो सेकेंड काइंड ऑफ शेयर का थोड़ा खूबी लिख देते हैं कि उसका नॉमिनल वैल्यू रुपीज 10 था, उसका मार्केट वैल्यू रुपीज 12 था, और उसको उस पे डिविडेंड मिल रहा था 7%। अच्छा, पर सेकेंड काइंड ऑफ शेयर उसने कितना खरीदा, नंबर ऑफ सेकेंड काइंड शेयर। तो नंबर निकालने के लिए 7200 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। बोलो तो क्यों 12 कर देंगे, क्योंकि टोटल उसका इन्वेस्टमेंट है 7200 फॉर बाइंग सेकेंड काइंड ऑफ शेयर एंड इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर है 12 रुपीज। ये बहुत सिंपल सा बात है, फिर भी मैं जानबूझ करके रिपीट करते रहता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो नंबर ऑफ शेयर उसने खरीदे 600, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट वाज द चेंज इन हिज इनकम। तो हमने पहला वाला हिस्सा तो निकाल ही दिया कि हाउ मेनी रुपीज 10 शेयर डीडी बाय तो 600। अब चेंज इन हिज इनकम निकालो। देखो फर्स्ट केस वाले शेयर में तो उसने 400 कमाया ही था, सेकंड काइंड ऑफ शेयर में निकाल दो तो 7% का डिविडेंड मिलता है उसे 10 रुपीज पे, और टोटल 600 शेयर खरीदा है तो हो जाएगा 420 रुपीज उसने कमाया। तो दोनों का चेंज कितना हो गया, तो हो गया 420 माइनस 400 रुपीज, यानी रुपीज 20 का चेंज, ठीक है। टू ब्रदर्स ए एंड बी, उस लोग दोनों ने इन्वेस्ट किए रुपीज 16,000 ईच इन बाइंग शेयर्स ऑफ टू कंपनीज। तो दो भाई है ए और बी, दोनों ने दो अलग अलग कंपनीज के शेयर्स पे पैसा लगाया और दोनों ने 16,000 लगाया, ठीक है। अब बोल रहा है ए बाइज 3% रुपीज 100 शेयर्स एट 80। तो जो ए था उसने, जिसने एक किसी नंबर वन कंपनी पे लगाया, उसने कौन सा वाला शेयर खरीदा, रुपीज 100 वाला शेयर खरीदा रुपीज 80 पे, और ए वाली कंपनी उसको 3% का डिविडेंड दे रही थी। तो हम लोग लिख लेते हैं ए का इन्वेस्टमेंट था 16,000, उसका शेयर का नॉमिनल वैल्यू था रुपीज 100, मार्केट वैल्यू था रुपीज 80, और डिविडेंड था ए के लिए 3%, ठीक है। अब आई बी की बारी, क्योंकि दोनों भाई ने सेम इन्वेस्टमेंट किया था तो बी का भी इन्वेस्टमेंट था 16,000, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर था बी का रुपीज 100, और उसने शेयर को खरीद लिया एट पार। याद है मैंने बताया था एट पार मतलब मार्केट वैल्यू विल बी द सेम एज नॉमिनल वैल्यू, तो ये भी हो गया रुपीज 100। और बी को कितना परसेंट डिविडेंड मिला वही हमें निकालना है, तो बी के डिविडेंड परसेंट को आर परसेंट मान लेते हैं, ठीक है। बोल दिया है कि दोनों भाइयों को इक्वल डिविडेंड मिला, ठीक है। तो चलो इसको मैं दो तरीके से बनाऊंगा जानबूझ करके, ताकि आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बता सकूं। पहले मैं लॉन्ग प्रोसेस लेता हूँ फिर सिंपल वाला। चलो तो ए का नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। तो ए का नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, तो उसने 16,000 टोटल इन्वेस्टमेंट किया और 80, तो ये हो गया 200। तो ए ने 200 शेयर्स खरीदा था, तो ए को कितना डिविडेंड मिला, तो ए को डिविडेंड मिला 3% ऑफ 100 रुपीज इंटू 200, यानी 3 को मिला 600 डिविडेंड, ठीक है, 3 को मिला 600 डिविडेंड। चलो अब बी का नंबर ऑफ शेयर निकालो, तो बी का नंबर ऑफ शेयर हो गया आपका 116,000 डिवाइडेड बाय 100, तो हो गया 160। बी का नंबर ऑफ शेयर हो गया 160। चलो ए के लिए सबसे पहले मैं डिविडेंड लिख दे रहा हूँ, ए के लिए डिविडेंड हो गया 600। अच्छा, जो ए का डिविडेंड है वही बी का डिविडेंड है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोली दिया है बोथ हैव रिसीव्ड इक्वल डिविडेंड। तो बी का नंबर ऑफ शेयर है 160, ठीक है। तो अब बी के केस में डिविडेंड क्या होगा, तो बी का नॉमिनल वैल्यू जब रुपीज 100 है, उसका डिविडेंड परसेंट पता नहीं, तो आर बाय 100 इंटू 100, और बी ने खरीदे थे टोटल 160 शेयर्स, तो उसका जो डिविडेंड आएगा यहाँ से सॉल्व करके वो भी तो 600 होगा, इसलिए इक्वल्स टू 600 कर दिया मैंने यहाँ से दोनों को कट किया, तो आर का वैल्यू हो गया 600 बाय 160। तो ये कट हो गया 4 से 4 बार में 4 से 15 बार में, तो ये हो गया 3 बार में 12 20 30, तो यहाँ पे 3.75% इज द डिविडेंड परसेंट फॉर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 20,020 इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू रुपीज 26 एट 10% डिविडेंड, सॉरी प्रीमियम।
दैट डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15%, ये तो बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ शेयर ही बाय डिविडेंड और रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो ये बहुत सिंपल है, फिर भी लास्ट क्वेश्चन है तो मैं ही बना देता हूँ। क्वेश्चन है बोला है कि मैन का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 20,020, और उसने कैसे शेयर को खरीदा जिसका नॉमिनल वैल्यू 26 था, और उसने 10% प्रीमियम पे खरीदा यानी मार्केट वैल्यू हो गया 26 प्लस 10% ऑफ 26 यानी कि 26 प्लस 2.6 यानी उसने खरीदा 28.6 में, ठीक है। आगे बोलता है कि डिविडेंड उसको कितना परसेंट मिल रहा है, तो डिविडेंड मिल रहा है उसको 15%। पहले पूछा नंबर ऑफ शेयर ही बाइस, तो नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या करोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 28.6 कर देना, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, ठीक है। डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली के लिए क्या करोगे, डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो 15/100 इंटू 26 इंटू यहाँ से जो नंबर ऑफ शेयर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देना, सिंपल नंबर ऑफ शेयर भी निकल जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज मनी का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज मनी, ये थोड़ा लिखने का तरीका बस बदल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज मनी से इसका कहने का मतलब है रिटर्न परसेंट, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट रिटर्न मिला, यानी उसका जो आपको टोटल यहाँ से इनकम यानी कि टोटल डिविडेंड मिलेगा डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया है तो मैंने इसे भी डिस्कस करके छोड़ दिया, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन इसे आप लोग बनाना। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन को या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, या फिर आप सबसे बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जो कि फ्रीली अवेलेबल है, आपका कोई कॉस्ट थोड़ी लग रहा है ज्वाइन करने में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट करो, हम लोग उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज इस मुश्किल टाइम पे जिन लोगों के पास प्राइवेट ट्यूशन की फैसिलिटीज़ नहीं हो पा रहे, उस उन लोगों को अगर इतना डिटेल फेस टू फेस इंटरेक्शन वाला वीडियो मिलेगा तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही उनके लिए हेल्पफुल होगा, आपके आपके तरफ से भी एक अच्छा डीड होगा ये। और हाँ, आप लोग हर तरह के हंसी मजाक के कॉमेडी के कंटेंट को जब इतना प्रमोट करते हो तो हमें कुछ अच्छे चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए, लोगों को लेबर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो ताकि आपका भी फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो। दैट्स इट, थैंक यू। वीडियो लाइक करें तो कमेंट, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।